I am very excited this season, isliye kyunki Bigg Boss ko khele. I want to see ke Bigg Boss kaise khelenge. I know ke Bigg Boss abhi tak bade righteous or you know straightforward, honest, and I think wo jo khel rahe hain, wo bhi aisa hi hoga. Mujhe wo dekhna hai. ये स्क्रिप्टेड है या ये घर जाते हैं वो सब कुछ नहीं होता तो ये सवाल ना ही करें तो बेहतर है क्योंकि एक बार घर के अंदर गए गए और कुछ नहीं स्क्रिप्टेड है ऐसा शो आप स्क्रिप्ट कर ही नहीं सकते दुनिया का कोई भी राइटर इस शो को लिख नहीं सकता सबका गेम है किसी का गेम अगर किसी को इरिटेट करके जीतना है ठीक है लेकिन उसको सिर्फ बता देना चाहिए ऑडियंसेस को दैट मीन्स बताएंगे तो ऑडियंस एंजॉय करेंगे बस ये जो कभी कभी बहुत सारी गालियाँ चलती हैं घर के अंदर वो रुक जाए और इंग्लिश बम चलता है घर के अंदर वो भी रुक जाए और काम करें जो जॉब्स हमको दिए गए वो मेहनत से कर रहे हैं अपना गेम खेल द वंस जो कि जीत के जाते हैं जो कि लास्ट हफ्ते तक रहते हैं वो ज़रूर बहुत मेहनत करते हैं और कोशिश करते हैं दे गिव इट देयर बेस्ट एंड जैसे वहाँ से निकल आते हैं तो उनका काम एक गुना नहीं दो गुना नहीं बल्कि 10-15 गुना बढ़ जाता है तो जो वीकर कंटेस्टेंट्स हैं जो कि हम नहीं सोचते कि वो वीक हैं हम इस ये डिसीजन पे हम कास्टिंग करते हैं कि जो हमने 12-15 कंटेस्टेंट्स साइन किए उसमें से दे ऑल द बेस्ट और कोई भी ये शो जीत सकता है तो मेरी दरख्वास्त है जब भी आप इस शो के अंदर जाए तो ये ना सोच के जाए कि आप फर्स्ट सेकेंड वीक ना हो जाएंगे आप ये सोच के जाएं कि आप इस शो के विनर हैं और सिर्फ बोलने से नहीं होता वो अंदर काम करने से होता पर्सनैलिटी दिखाने से कि जब हम सेलेक्ट करते हैं यानी कि बिग बॉस की टीम सेलेक्ट करती है तो वो इसी बेसिस पे सेलेक्ट करती है कि इसमें से कोई भी विनर हो सकता है बिग बॉस के अलावा ये लाइफ की काफ़ी एक्सपीरियंसेस रही हैं तो आई थिंक बिग बॉस के अलावा बिग बॉस का रिलेशनशिप इसलिए है कि बिग बॉस शो चल रहा है और आप लोगों को पोस्ट पसंद आ रहा है अदर्स को पोस्ट पसंद आ रहा है एट द मॉल को पोस्ट पसंद आ रहा है तो एक म्यूचुअल प्रॉफिटेबल रिलेशनशिप है एडमिरेशन भी है दोनों साइड से लेकिन जिस दिन ये ख़त्म हो जाएगा तो ये भी ख़त्म हो जाएगा लेकिन वो जो रिलेशनशिप जो है जो कि लास्ट करता है वो फैमिली और फ्रेंड्स के साथ और अपने आप के साथ सबसे लॉन्गेस्ट रिलेशनशिप है